बागपत में मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी से हड़कंप। ड्रग एवं स्वास्थ्य विभाग बागपत की टीम ने मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया। इससे मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मचा रहा। टीम ने बड़ौत स्थित दर्जनों मेडिकल स्टोर पर मास्क व सैनिटाइजर के स्टॉक की जांच कर सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस निरीक्षण में एक चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि अधिकांश मेडिकल स्टोर पर मास्क व सैनिटाइजर नहीं मिले। इस पर ड्रग इंस्पेक्टर वैभव बब्बर ने नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि अब सरकार ने मास्क व सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल कर लिया है। ऐसे में सभी मेडिकल व्यापारियों को अपने यहाँ मास्क और सैनिटाइजर को रखते हुए स्टॉक रजिस्टर भी मेंटेन करना होगा। ड्रग इंस्पेक्टर बागपत वैभव बब्बर व डिप्टी CMO संजीव साहू ने मेडिकल स्टोर पर लोगों को घर पर ही रुमाल व नैपकिन से तैयार कर मास्क का प्रयोग करने का भी डेमो दिया। बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के चलते मेडिकल स्टोर पर मास्क व सैनिटाइजर की आपूर्ति न के बराबर हो रही है, जिसके कारण लोग भी परेशान हैं। सर, मेडिकल स्टोरों की चेकिंग की जा रही है, किस लिए की जा रही है? मेडिकल स्टोर से अभी भारत सरकार द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन पास हुआ है, जिसमें नोज मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत लाया गया है। जैसा कि आप अवगत हैं, कोरोना वायरस को लेकर मास्क और सैनिटाइजर की बहुत कालेबाजारी की शिकायत आ रही थी। उसी के चलते ये जो टीम है हमारे साथ, डिप्टी CMO श्री संजीव साहू जी और मैं हूँ, जिसकी मेडिकल स्टोर की चेकिंग कर रहे हैं, जिसमें ये देखा जा रहा है कि सैनिटाइजर और नोज मास्क की कहीं पर कोई होर्डिंग तो नहीं हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रही है। अभी कितने मेडिकल स्टोर चेक किए जा चुके हैं सर? अभी हम पाँच छः मेडिकल स्टोर चेक कर चुके हैं, उनमें से एक मेडिकल स्टोर है, दो मेडिकल स्टोर है जिनके पास सैनिटाइजर्स मिले हैं। सैनिटाइजर्स के सेल्स रिकॉर्ड जो है वो भी मेंटेन नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने परचेज डिटेल दिखाए हैं। उनको निर्देशित किया गया है कि वो जो डेली स्टॉक रजिस्टर है उसको मेंटेन करेंगे, और डेली स्टॉक रजिस्टर में एसेंशियल कमोडिटीज के अंतर्गत हर व्यक्ति को देना ज़रूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, परंतु जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन देता है या जो बीमार है, मरीज है, उसको देना अनिवार्य है। सर, अधिकतर मेडिकल स्टोरों पर मास्क अवेलेबल नहीं है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आगे मास्क के पीछे से पता लग रहा है कि पीछे से मास्क नहीं आ रहे, लेकिन हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि कोई फैक्ट्री वगैरह जो है इन मास्क को बनाए और हम उनको अप्रूवल दें, जिससे कि वो मास्क बना के आगे बेच सकें। इसमें सर कोई बिल का भी इशू बताया जा रहा है? बिल का कोई ऐसा इशू नहीं है। जो भी मास्क और सैनिटाइजर जो लेंगे वो एक परचेज बिल है, उसको लेंगे और उसी के हिसाब से अगर जितनी क्वांटिटी उसने परचेज की है उतनी क्वांटिटी उसने किसको विक्रय की है वो सारा डिस्क्रिप्शन, वो एक जो हमने फॉर्मेट बनाया और सबको सर्कुलेट किया है, वो उसको मेंटेन करेंगे। थैंक यू।